मैम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साथ में बात करना चाहता हूँ सलमान खान के बारे में और SLB के बारे में, यानी कि संजय लीला भंसाली। काफ़ी वक्त से यही चर्चा थी, क्या सलमान खान संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगे। विदेश मीडिया पोर्टल्स में हर जगह पिछले 6 महीने से यही खबरें आ रही है, सलमान खान काम करने के लिए रजामंदी दे दी है सलमान खान ने, SLB झुक है काम करने के लिए सलमान के साथ, लेकिन भैया कंफर्मेशन कहीं नहीं था। यहाँ तक कि ये भी तय हो गया था कि इन्होंने यानी कि SLB भाई साहब ने अपनी एक फिल्म इंशाल्लाह का टाइटल भी रजिस्टर करा लिया है, यानी कि ये साफ था कि वो उस फिल्म पर काम करेंगे। लेकिन भैया ये तय नहीं हो पाया था कि क्या सलमान खान सच में काम करने वाले हैं। तो भैया आसानी अब और हो चुकी है, क्योंकि सलमान खान ने अब रजामंदी दे दी है संजय लीला भंसाली को। अब संजय लीला भंसाली के ऊपर है कि वो इस फिल्म में, आने वाली फिल्म, चाहे वो इंशाल्लाह हो या चाहे कोई और है, उसमें लेते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, सलमान खान उनकी आने वाली फिल्म में काम कर रहे, ये बात अब 100% कन्फर्म हो चुकी है। स्क्रिप्ट कौन सी है, क्या है, वो सलमान खान ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, इसलिए सलमान खान ने इतना ही कहा है कि वो उनकी अगली फिल्म में काम कर रहे। तो आखिर हुआ क्या, आज आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने एक बात कबूली, आई एम डूइंग ए फिल्म विद संजय, यानी कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ संजय दत्त के साथ, नॉट संजय दत्त, संजय लीला भंसाली के साथ। आई हैवेंट हर्ड द स्क्रिप्ट, मैंने स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी है। आई हैव हर्ड द लाइन ऑफ इट, मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत उसका एक थोड़ा बहुत लाइन पढ़ी है। आई हैव बीन थोड़ी बहुत लाइन मतलब थोड़ा सा सिर्फ उसके बारे में जानकारी ली उस फिल्म के बारे में। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल हिम बट ही इजेंट अटेंडिंग माई कॉल्स, यानी कि मैं उन्हें कई बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन सलमान भाई ने कहा कि वो उनको कॉल अटेंड नहीं कर रही। आई मीन संजय लीला भंसाली सलमान खान का कॉल अटेंड नहीं कर रही या नहीं उठा रहे। जस्ट टेल हिम टू कॉल मी अप, यानी कि कहिए कोई जाकर सलमान संजय लीला भंसाली से कि भैया मुझे कॉल करे सामने से भी, क्योंकि आपका कॉल आप उठा नहीं रहे, तो मुझे जल्द से जल्द सामने से कॉल करे। यानी कि इतना तो तय है कि खामोशी द म्यूजिकल जो 1997 में आई थी, क्रिटिकली कमर्शियली हर तरह की बढ़िया फिल्म थी SLB की, उसके बाद वापस से संजय भंसाली के साथ 2 साल के अंतर में काम किया था हम दिल दे चुके सनम में, और इसके बाद वापस से नजर आए थे करीबन 10 साल के आसपास, 2 साल के बाद सावरिया में। बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एक एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं। और उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ करीबन 11 साल बाद, जी हाँ लगभग 11 साल हो चुके हैं, 11 साल बाद सलमान खान फिर आएंगे, और साथ ही में अगर दोनों जन आएंगे तो आपको पता ही है बहुत अच्छी फिल्म होगी, नो डाउट। उम्मीद करते हैं संजय लीला भंसाली के साथ भरत के बाद तुरंत कॉल करें, क्योंकि काम करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सलमान खान बड़ी से बड़ी फिल्में दे। हम सलमान खान से बहुत बड़ी बड़ी फिल्में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कब अगर उनकी फिल्में नहीं चलती है या कम चलती तो बड़ी तकलीफ होती है फैंस को। तो उम्मीद करते हैं बड़े बड़े स्केल पर फिल्म रिलीज़ करें, उसकी स्टोरी वगैरह अच्छी रहे, कलेक्शन कम ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन फिल्म दमदार होनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कितने एक्साइटेड है कि सलमान खान भैया राजी हो चुके हैं प्रॉपर ऑफिशियली तौर पर SLB के साथ, और सेम इसी तरह से खुश होते होंगे संजय लीला भंसाली ये खबर सुन के कि भैया अब तो सलमान खान ने भी हाँ कर दी पूरी तरह से। चलिए फिलहाल कितना ही।